नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो हर्यक वंश था उसके शासकों के बारे में जानकारी दी, जो कि बिंदुसार और आजाद शत्रु, उनके अंतर्गत यानी उनके शासन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे जाते थे मैंने उनकी जानकारी आप लोगों को दी। उनमें से एक शासक थे उदयन, जो पिछली वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे, तो वो इस वीडियो में मैंने कवर करे हैं। इन शासकों के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, पीजीटी हो, पीजीटी हो, उनके अंतर्गत जो भी पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि इन शासकों के अंतर्गत उनके शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य या घटनाएँ हुई थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? मगध। लेकिन वंश कौन सा था जो शासन कर रहा था? हर्यक वंश। ये क्या है? टॉपिक थ्री, यानी कि टॉपिक थ्री ये हर्यक वंश का है। हर्यक वंश के कौन से रह गए थे? उदयन। इनका शासन काल कितना था? उदयन का शासन काल 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व था। इनके यानी कि हर्यक वंश के अंतर्गत पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल उन्हीं के बारे में, इससे ज्यादा हर्यक वंश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आप मेरी पिछली वीडियो को देख लेना, उसके अंतर्गत वीडियो के अंतर्गत मैंने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते थे उनकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। इनका शासन काल था 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथ क्या? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इस वंश हर्यक वंश को पितृहंता ग्रंथ, पितृहंता वंश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आजाद शत्रु ने अपने पिताजी की हत्या की थी और आजाद शत्रु के बेटे ने आजाद शत्रु की हत्या की थी और फिर उनके बेटों ने उदयन की हत्या कर दी थी। तो इसी प्रकार ये जो वंश है पितृहंता वंश बोला गया है। तो बौद्ध ग्रंथों जो हमें जो हम जो कह सकते हैं कि कौन से उसमें पितृहंता इनको बोला गया है, तो वो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में इस वंश को पितृहंता या पितृहंता ग्रंथ तो वंश बोला गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ इनको क्या कहते हैं? उदयन को जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथों में भी सिर्फ एक ग्रंथ, क्योंकि जैन ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, उनमें भी महत्वपूर्ण एक ग्रंथ कौन सा? परिशिष्ट पर्वन। क्या? परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह पिता भक्त थे। मैंने आपको बता दिया कि बौद्ध ग्रंथ तो इन्हें पितृहंता वंश कहता है, लेकिन जैन ग्रंथों में एक ग्रंथ यानी जैन धर्म के अंतर्गत एक ग्रंथ वो है परिशिष्ट पर्वन, जो कि उदयन को, इनको उदयन को पिता भक्त बताता है। कौन सा? परिशिष्ट पर्वन इन्हें पिता भक्त बताता है। ये क्या थे? ये अपने पिता के समय में चंपा के उपराजा यानी वायसराय थे, क्योंकि मैंने आपको बताया बिंदुसार जी के समय में, बिंबसार जी के समय में उनके जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे उनमें दूसरे नंबर के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो थे उपराजा, उपराजा यानी वायसराय, जो कि उदयन चंपा के थे उस समय। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि गंगा घाटी और सोन के यानी सोन और गंगा घाटी का जो संगम था जहां पर ये दोनों नदी एक साथ मिलती हैं, वहां पर इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? वो उदयन जी ने गंगा व सोन घाटी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अपनी राजधानी भी पाटलिपुत्र को बनाया। किसको? राजगृह के बदले पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बनाया। यानी कि इससे पहले हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, जिसे गिरिजवंश बोलते हैं। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जैन धर्म मानते हैं ये, क्या थे? ये जैन धर्म मानने वाले थे। उदयन जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। इनके जो उत्तराधिकारी थे,
उत्तराधिकारी जो इनके वंश में जो पुत्र थे, इनके जो इनके उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? अनुरुद्र, मुंडक और नागदशक। ये तीनों क्या थे? ये विलासी थे। विलासी यानी कि विलासी और चरित्रहीन, जिसके कारण जनता इनसे बहुत ज़्यादा नाराज थी और इनके प्रशासन के तौर तरीकों की वजह से, जनता नाराज होने की वजह से जनता ने क्या किया, एक शिशुनाग वंश का जो शासक था उसका नाम था नागवंश। ये क्या था? ये हरियक वंश के समय में, जब हरियक वंश का शासन था तो ये आमात्य थे। जब आमात्य थे तो जनता ने क्या करा, इन तीनों से परेशान होकर उस आमात्य को मगध साम्राज्य का शासक बना दिया। तो ये जो मैंने आपको बताई, अंतिम जो इस वंश का जो अंतिम शासक था, हरियक वंश का अंतिम शासक कौन था? वो नागदशक था। लेकिन शिशुनाग आमात्य ने, जनता ने जो आमात्य था शिशुनाग, उसको यहाँ का मगध का शासक बना दिया। तो अब मैंने आपको जो हरियक वंश के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते थे, मैंने उनकी जानकारी आपको दी कि बिंबसार जी, आजाद शत्रु और उदयन, इन तीनों के समय में क्या क्या घटनाएं घटी या कौन कौन से इन्होंने महत्वपूर्ण हथियारों का इस्तेमाल किया, जो भी इन्होंने अस्त्रों का इस्तेमाल किया, तीनों ने कौन कौन से इनके प्रशासनिक अधिकारी थे उनके बारे में, और या फिर ये समझ लो हरियक वंश के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते थे उनकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। इसके बाद में जो वंश आता है मगध साम्राज्य में, मगध साम्राज्य में टॉपिक वन किसका? शिशुनाग वंश का। ये मगध साम्राज्य था, लेकिन इस पर शासन करने वाला हरियक वंश के बाद जो शासक आए, जो वंश शुरू हुआ वो था शिशुनागवंश। शिशुनागवंश का जो शासक था वो थे शिशुनाग। पहले शासक कौन थे? शिशुनाग थे। इनका जो शासन का समय है वो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व, यानी मगध साम्राज्य मगध ही रहा, लेकिन उस पर अब राजवंश का शासन बदल चुका था। हरियक वंश की जगह अब शिशुनाग वंश के शासकों ने मगध पर शासन करना शुरू किया। तो शिशुनाग थे, शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था। महावंश टीका में, इसमें महावंश टीका में मैं आपको, मेरे प्यारे दोस्तों, वो सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपरों में कहां कहां से क्या क्या चीजें पूछी जाती है। ज्यादातर याद रखना, पेपरों में इनके अंतर्गत इनसे जो भी प्रश्न आएंगे वो मेल मिलाने के लिए आते हैं, मेल मिलाने के लिए आएगा। जैसे कि मैंने बताया बिंबसार जी की पत्नियों के, कि वो कहां कहां की राजकुमारी थी, मेल मिलाने के लिए। ये जितने भी राजा हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये राजा होंगे और समय होगा कि इनका शासन को क्रमवाइज लगा दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कोई भी ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो महावंश टीका में शिशुनाग को क्या कहा? शिशुनाग को लक्ष्मी शासक की वेश्या पत्नी, किससे? वेश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है। अब आपको ये बात मालूम चल गई कि जो शिशुनाग थे वो लक्ष्मी शासक यानी लक्ष्मी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न थे। और पुराणों में इन्हें से क्या कहा? ये प्रश्न पेपरों में आया है कई बार, पुराणों में इसे क्षत्रिय माना गया। क्या? पुराणों में इन्हें क्षत्रिय माना गया है, लेकिन महावंश टीका में इन्हें लक्ष्मी शासक की वेश्या पत्नी से उत्पन्न माना गया है। अब महावंश में तो ये वेश्या पत्नी से उत्पन्न है और पुराणों में इन्हें क्षत्रिय माना गया है शिशुनाग जी को। शिशुनाग जी ने वत्स और अवंती, क्या?
इनके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि इन्होंने वत्स और अवंती पर अधिकार कर लिया, यानी इन पे आक्रमण करा, आक्रमण करके वत्स और अवंती को जीत लिया, जीतने के बाद में मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये इनके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इनका जो साम्राज्य था, इनका साम्राज्य बंगाल से मालवा तक था। कहां से? अब इनका जो मगध साम्राज्य था वो बंगाल से मालवा तक, किसके समय में? शिशुनाग वंश के समय में। इनने वज्रों पर नियंत्रण रखने के लिए किसके, जो इनसे जो शक्तिशाली थे, इनके बराबर जो शक्तिशाली से, जो इनके बराबर के जो शक्तिशाली योद्धा थे वो वज्जी संघ के थे, तो इन्होंने वज्जी संघ में नियंत्रण रखने के लिए, यानी कि उस दौरान वज्जी संघ में विद्रोह होते होंगे, विद्रोह होते थे, तो उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए इन्होंने क्या करा, अपनी पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र तो इनकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, इन्होंने वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो आप ये बता सकते हैं, अब शिशुनाग वंश की दो राजधानियां थी, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी उन्होंने वैशाली, वैशाली वैशाली इनकी दूसरी राजधानी थी। इनके बाद जो शासन, इनके बाद में ये इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कि जो इनके समय में जो घटना घटी वो शिशुनाग जी के समय की, तो ये महत्वपूर्ण घटना है। अब बात होती है कालाशोक, यानी काकवरण। इनके बाद जो शासन आता है वो कालाशोक जी का आता है। कालाशोक जी का शासन काल कितना था? 394 से 366 ईसा पूर्व। क्या था? कालाशोक जी का, शिशुनाग वंश के थे कालाशोक जी, इनका शासन 394 ईस्वी से 366 ईसा पूर्व था। पुराणों में और दिव्यवदान में, किसमें? पुराणों में भी और दिव्यवदान में भी इनका नाम क्या था? काकवरण। क्या था इनका नाम? इनका नाम पुराणों से और दिव्यवदान से हमें काकवरण मिलता है। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने वैशाली के स्थान पर, क्या पहले जैसे शिशुनाग जी के समय में वैशाली थी राजधानी और पाटलिपुत्र से दूसरी राजधानी वैशाली बनाई, तो इन्होंने क्या करा, वैशाली से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बना दिया। यानी इनसे पहले वाले शासक जो थे शिशुनाग जी, उन्होंने पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र और प्लस वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने उनका उल्टा करा कि वैशाली के स्थान पर फिर से पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इनके शासन काल के 10वें वर्ष, यानी कालाशोक जी तो थे, इनके शासन काल के 10वें वर्ष दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। क्या हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति का समय क्या है? 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सावक मीर। शासक कौन थे? कालाशोक जी। और इसका उद्देश्य क्या था? जो ये दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अनुशासन को लेकर जो संघ में मतभेद के समाधान के लिए, यानी अनुशासन को लेकर जो संघ में मतभेद हो रहे थे उस समाधान के लिए ये दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। तो बौद्ध धर्म के इसमें क्या हुआ, जब ये बौद्ध संगति हो रही थी तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, यानी कि समाधान तो निकला ही नहीं और बौद्ध धर्म दो भागों में और बट गया। वो भाग कौन थे? स्थविर और महासंधिक। दो भागों में बट गया कौन कौन से? बौद्ध धर्म स्थविर और महासंधिक। ठीक है, ये दो भागों में और बट गया। इस वंश का, यानी कि अब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? महानंदिम या नंदीवर्धन, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने की थी, जो कि नंद वंश का शासक था। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको हर्यक वंश के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते थे पेपरों में उनकी जानकारी दी, उनके बारे में बताया। ये शिशुनाग वंश है।
शिशुनाग वंश भी मगध साम्राज्य के ही, शिशुनाग वंश ने भी मगध साम्राज्य पर शासन किया, और इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पेपरों में पूछे जाते थे उसकी जानकारी मैंने आपको दी कि इनके समय में क्या कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी और कौन कौन से इनके अंतर्गत पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, मैंने वो सारी चीजें आपको बताई हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।